तो आज की इस वीडियो में मैं आपको WhatsApp के ग्रुप सेटिंग्स के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा कि उसकी क्यों कौन सी सेटिंग को करने से आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मुस्तफ़ाई टेक। चलें बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की तरफ बगैर वक्त ज़ाया किए। आप अपने WhatsApp ग्रुप को जिसकी भी सेटिंग आप करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। देन आप यहाँ पर आपको 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको सबसे पहले ग्रुप इन्फो का ऑप्शन नज़र आएगा, ग्रुप इन्फो पे क्लिक करें। ग्रुप इन्फो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने नज़र आ रहा होगा सबसे पहला ऑप्शन म्यूट नोटिफिकेशन, यानी कि इसको क्लिक करेंगे तो म्यूट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 8 hours के लिए, 8 घंटों के लिए, 1 हफ्ते के लिए या ऑलवेज हमेशा के लिए अगर आप चाहते हैं तो इसको हमेशा पे क्लिक कर दें। अगर इसके बाद आपको कभी भी इसकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, ये देख लें नोटिफिकेशन म्यूट हो जाएगी। लेकिन ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा शो नोटिफिकेशन, यानी कि नोटिफिकेशन आए ज़रूर लेकिन आपको इसकी यानी कि म्यूट हो के यानी कि आवाज़ वगैरह ना आए इसकी। यहाँ पे आप इसको शो नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर दें और ओके पे क्लिक कर दें। और यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा होगा कस्टम नोटिफिकेशन का ऑप्शन, कस्टम नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा अगर आप यहाँ पे कोई भी रिंगटोन रखना चाहते हैं अपने मैसेज वगैरह के ऊपर से यहाँ पे ये रख सकते हैं। और यहाँ पे देख लें आपको मैसेज जब भी आएगा डिफ़ॉल्ट पे रखना चाहते हैं, यानी कि जो व्हाट्सएप की तरफ से है वो अगर शॉर्ट रखना चाहते हैं शॉर्ट रख लें, लॉन्ग या अगर आप इसको वाइब्रेशन को ऑफ करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आप सिर्फ ऑप्शन बता रहा हूँ, मैं अभी इसी तरह की सेटिंग ही रहने दूँगा। पॉप अप नोटिफिकेशन, यानी कि जब भी आपकी कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आप आए आपको तो आपको पॉप अप शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये देख लें। आपको नज़र आ रहा है ओनली वन स्क्रीन इज ऑन, जब आपकी स्क्रीन ऑन हो तो तभी आपको पॉप अप आए, यानी कि जब आपकी स्क्रीन ऑफ हो या तब आए या ऑलवेज शो पॉप आए, यानी कि आपकी स्क्रीन बंद हो या ऑफ हो या ऑन हो आपको हमेशा ही पॉप अप आना चाहिए। जिस तरह की भी आप सेटिंग करना चाहते हैं देख लें, मैंने भी नो पॉप अप की सेटिंग की हुई है। यहाँ पे आपको लाइक कैंड नज़र आ रहा है, यहाँ पे व्हाट्सएप की तरफ से नन वो होते हैं, मैंने भी आपके सामने ये कैंड किया हुआ है। इस तरह का भी आप अपने व्हाट्सएप की नोट यानी कि जो भी यानी कि कलर रखना चाहते हैं फर्स्ट पेज का उस तरह का रख सकते हैं। ये अब आपको नज़र आ रहा था यू हैरी नोटिफिकेशन शो प्रीव्यू और नोटिफिकेशन एट दी टॉप ऑफ योर स्क्रीन, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन जितने भी हैं वो आप स्क्रीन की ऊपर से। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा मीडिया विजिबिलिटी का ऑप्शन, मीडिया विजिबिलिटी का ये देख लें। आपको नज़र आ रहा होगा शो न्यूली डाउनलोड मीडिया वीडियो फ्रॉम दिस चैट इन योर फोन गैलरी, यानी कि जो भी आपको कोई भी फोटोज़ वीडियो वगैरह इस ग्रुप में आएगी वो ऑटोमेटिकली आपके ग्रुप में आपके ग्रुप से आपकी गैलरी में मुंतकिल हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि वो इस तरह ना बिल्कुल भी हो तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करें तो आपकी कोई भी यानी कि कोई भी इमेजेस वीडियोस आपके गैलरी में नहीं ट्रांसफ़र होगी। मैं यहाँ पे नो कर दूँगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप्स की सेटिंग है। अब यहाँ पे आपको ग्रुप सेटिंग्स का मेन ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, अगर आप कोई भी ग्रुप एडमिन हैं तो एडिट ग्रुप इन्फो, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ऑल पार्टिसिपेंट हुआ हुआ है बाई डिफ़ॉल्ट ग्रुप की व्हाट्सएप की तरफ से। अगर आप यहाँ पे ओनली एडमिन्स कर देंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको नज़र आएगा चूज़ हो कैन चेंज दिस ग्रुप सब्जेक्ट आइकॉन एंड डिस्क्रिप्शन, यानी कि अगर आप यहाँ पे ओनली एडमिन कर देंगे तो सिर्फ आप ही अपने ग्रुप के आइकॉन और डिस्क्रिप्शन या नेम वगैरह को चेंज कर सकते हैं व्हाट्सएप की तरफ से। यहाँ पे ऑल पार्टिसिपेंट हुआ होता है। अब आपको नज़र आ रहा होगा सेंड मैसेजेस का ऑप्शन, सेंड मैसेज पर क्लिक करें। यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा होगा चूज़ हो कैन सेंड मैसेज टू दिस ग्रुप, यानी कि ऑल पार्टिसिपेंट यहाँ पे सेंड कर सकते हैं या ओनली एडमिन्स, मैंने देख लें आपके सामने किया हुआ है ओनली एडमिन्स। मैं बताऊँगा एडिट ग्रुप एडमिन्स, यहाँ पे अगर आप किसी भी ग्रुप को यानी कि किसी को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लें, यानी कि ये देख लें मैं इस पर क्लिक करूँगा या ये सब आपके ग्रुप एडमिन्स में सिलेक्ट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जिसका हर कोई देखना चाहते हैं कि किसी को भी ऐड करना हो या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में किस तरह कर सकें। अब ऐड पार्टिसिपेंट पे क्लिक करें और यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक करें। अगर आपको किसी का नंबर आता है तो आप किसी का नंबर वगैरह ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप अपने कॉन्टैक्ट्स में से किसी को ऐड करना चाहते हैं तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स में से किसी को भी ऐड कर सकते हैं कॉन्टैक्ट्स में, आप इस पर क्लिक कर दें तो ये देख लें। अब प्लीज़ वेट अ मोमेंट, अब ये मेरे ग्रुप में ऐड हो गया है। अब इनवाइट भी का लिंक, अगर आप ग्रुप एडमिन हैं तो आप किसी को भी अपनी लिंक वगैरह सेंड करके अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। देख लें इनवाइट लिंक पे कर किया, यहाँ पे आप अपनी कॉपी लिंक पे करें या सेंड लिंक वीया व्हाट्सएप पे कर दें या शेयर लिंक यानी कि किसी फेसबुक वगैरह पे। अगर आप अपना QR कोड वगैरह करना चाहते हैं तो उसके ज़रिए कर लें। अगर आप अपनी लिंक वगैरह को चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देख लें आपको नीचे नज़र आ रहा होगा रीसेंट लिंक।
ग्रुप का नेम चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये सामने एडिट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आप अपना कोई भी नाम रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं। देन ओके पे क्लिक कर दें तो इसका ये देख लें आपके सामने नाम चेंज हो गया है। और अब अगर अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी भी ग्रुप में को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको किस तरह करते हैं। आपने इसके नीचे जाना है सबसे, यहाँ पर आपको नज़र आएगा एग्जिट ग्रुप, एग्जिट ग्रुप पर क्लिक करें और एग्जिट कर दें। देन आपके उसी वक्त ही ऑप्शन नज़र आ जाएगा डिलीट ग्रुप का, देन आप उस पर डिलीट ग्रुप पे क्लिक करें तो आपको ये डिलीट ग्रुप डिलीट हो जाएगा। इसको करने के बाद आप बैक आएँ और देन दोबारा आप इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करें। अब आप यहाँ पे आप वॉलपेपर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप अपने ग्रुप के पेज पे जो भी वॉलपेपर लगाना चाहते हैं उसको लगा सकते हैं। यानी गैलरी से आप वॉलपेपर लेना चाहते हैं गैलरी से ले लें, वॉलपेपर लाइब्रेरी से लेना चाहते हैं वॉलपेपर लाइब्रेरी से ले लें, सॉलिड कलर को लेना चाहते हैं सॉलिड कलर यहाँ से। बस एक अमूमन आपको बस मैं दिखाने के लिए दे रहा हूँ कि आपका वॉलपेपर किस तरह चेंज होगा। सॉलिड वॉलपेपर पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट करें तो देन आपका ये देख लेंगे वो बता रहा है कि इस तरह का हो जाएगा। अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको सेट भी कर सकते हैं। देन आप अगेन इस पर क्लिक करें और आप यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, मोर पे क्लिक करें। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स है ग्रुप वगैरह के लिए। अगर आप किसी भी ग्रुप को रिपोर्ट वगैरह करें तो फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें और इसको आप देख लें, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा रिपोर्ट एग्जिट ग्रुप एंड डिलीट दिस ग्रुप मैसेजेस भी, ये यानी कि आप इस ग्रुप से एग्जिट भी हो जाएंगे और इस ग्रुप के सारे मैसेजेस में डिलीट भी हो जाएंगे अगर आप इसको रिपोर्ट करते हैं तो। देन अगेन आपको यही सेटिंग आप यहाँ पे आपको अगर आप डायरेक्ट वैसे ही नॉर्मल आप किसी भी ग्रुप से एग्जिट होना चाहते हैं तो यहाँ पे एग्जिट ग्रुप पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको एग्जिट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, एग्जिट पे क्लिक करें तो आप इस ग्रुप से एग्जिट हो जाएंगे। देन अगेन आप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा क्लियर चैट, क्लियर चैट पे भी क्लिक करेंगे तो आपको आगे ओके का ऑप्शन नज़र आएगा। आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी बकाया सारी यानी कि चैट्स वगैरह की ग्रुप्स में हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। एक्सपोर्ट चैट, अगर आप अपनी किसी भी चैट वगैरह को जीमेल पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या किसी पे भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करें, तो इस पर क्लिक करने से आप अपनी किसी भी चैट को मुकम्मल का मुकम्मल किसी भी जगह पे ट्रांसफ़र कर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।